राजस्थान में 7 विधानसभाओं के उपचुनाव होने जा रहे हैं। 25 तारीख शायद नामांकन की आखिरी तारीख है और 13 तारीख को चुनाव है। 7वें विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें मिलेंगी और वो इसलिए मिलेंगी कि जिस आस और उम्मीद के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर राजस्थान में जनता ने बनाई थी, उस आस और उम्मीद को मुख्यमंत्री के चयन, मंत्रिमंडल का गठन, ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफर, योजनाओं की क्रियान्विति, बजट, इन सब चीजों में निराशा हाथ लगी है। कहीं भी जो वादा किया गया उसके मुताबिक कोई काम नहीं हुआ है और ये पर्ची की सरकार भ्रमण, भाषण और भ्रमित पे पहुंची और उसके बाद में सर्कस बन गया। मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बैठ करके कैबिनेट मंत्री ये हाथ जोड़ के कहता है कि मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो। लेकिन आज तक उनके इस्तीफे का कोई फैसला नहीं आया। एक दिन मंत्री की डिजायर लेटर पैड में साइन करते हैं, दूसरे दिन विधायक पे करते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होते हैं तो जनता ये मानती है कि वो मंत्री हैं, और दूसरे दिन कहते हैं मैं तो ऐसा ही पेपर की भर्ती निरस्त कराने गया था, मेरा मंत्रिमंडल से कोई वास्ता नहीं है। तो इसलिए लोग बागों के एक जुबान पे आ गया कि ये सर्कस है और अब यूटर्न सरकार बन गई है। और यूटर्न सरकार इसलिए बन गई कि एक भी फैसला ये अपना लागू नहीं करवा पा रहे हैं।